दोस्तों राजस्थान की स्कॉलरशिप के फॉर्म आप सभी छात्रों ने भर रखे हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं और आपके लिए बता देता हूं। जो आपकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं टीकाराम जूली, आपके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, उन्होंने इस चीज़ का अभी जवाब दिया है विधानसभा में। जो अभी आपको पता होगा, विधानसभा में जो गवर्नमेंट है इसका लास्ट सत्र है, वो यहाँ पर चल रहा है। तो उन्होंने अपने जवाब में दिया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जब स्कॉलरशिप नहीं दी गई है अभी तक छात्रों को, भुगतान नहीं हो पाया 60% का या फिर 40% का, तो उसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली हो गया है, तो मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ इस वीडियो में। और इसके अलावा भी दोस्तों, अब जो स्कॉलरशिप है ये आएगी या फिर नहीं आएगी, तो इस पर भी क्या राय रहेगी, गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है, तो वो भी मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा। और अगर आपकी स्कॉलरशिप अगर अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों वो क्या इस ईयर में आ जाएगी या नहीं आएगी, इस वीडियो में क्लियरली आपके लिए कम्प्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या डिटेल रहेगी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर लेना, अन्ना डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों ये क्या न्यूज है, मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ जो गवर्नमेंट में अभी आपके मंत्री जी ने कहा है अपने भाषण में। तो देख सकते हैं, केंद्र सरकार से राशि है जो मिलते ही लंबित छात्रों का भुगतान किया जाएगा। यानी गवर्नमेंट भुगतान करने के लिए तैयार तो है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अभी केंद्र सरकार से राशि नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्या कारण है, देखिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विधानसभा में कहा है कि केंद्र सरकार से जो केंद्र सरकार की हिस्से की राशि है जो प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है, जो राशि अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के वो छात्र जो कहते हैं हमें इतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी और केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से अलग स्कॉलरशिप दी जाती है, राज्य सरकार अलग स्कॉलरशिप देती है आपके लिए। तो जो 40% स्कॉलरशिप आई है वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की अलग मिलती है। तो यहाँ पर यह अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो भी छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सके हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होते ही भुगतान किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति में केंद्र तथा राज्य का अनुपात 25-75 का अनुपात है। केंद्र सरकार द्वारा गत 1 वर्षों से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग की राशि की छात्रवृत्ति के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राशि नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट का कहना है राजस्थान सरकार का कि जो ओबीसी और जो आपकी SC ST कैटेगरी हैं उन सभी के लिए केंद्र सरकार से जो राशि मिलती है 75% और 60%, उसका भुगतान अभी नहीं हो पाया है। तो इस वजह से आप सभी छात्रों को वो स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं मिल पाया था। लेकिन दोस्तों कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके पुराने बिल बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ओल्ड है स्कॉलरशिप, वो पेमेंट ढल चुके थे कुछ के। अभी बहुत छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप ये नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ गवर्नमेंट अब आपके लिए स्कॉलरशिप पर क्या करने वाली है। तो आप सभी छात्र ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप बकाया बहुत पड़ी है, लास्ट ईयर की भी होगी, इस ईयर की भी होगी, आपकी 22-23 की न्यू सेशन जो चल रहा है अभी हाल ही में। तो दोस्तों गवर्नमेंट के अभी हाल ही में 6-5 महीने के समथिंग गवर्नमेंट की जो है टाइम पीरियड है वो रह गया है। तो दोस्तों अभी जल्दी चुनाव आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट अब आपके लिए 100% आपकी स्कॉलरशिप को क्लियर करके जाएगी, इसका कोई दोहराय नहीं है। बहुत छात्रों के आपने सुना भी होगा, कमेंट करके भी बताते हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके लिए गवर्नमेंट पैसा देने वाली है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार आपकी छात्रवृत्ति का जरूर भुगतान करेगी, यह गारंटी के साथ आपके लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा, लास्ट 3 मंथ ऐसे हैं जिनमें आपकी स्कॉलरशिप किसी भी मंथ में आ सकती है। और रहती है ST स्टूडेंटों की कमेंट सबसे ज़्यादा उन्हीं के आते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आपका अभी हाल ही में आपका क्लियर हो गया है, आपके इस मंथ से या फिर नेक्स्ट मंथ तक स्कॉलरशिप डलना स्टार्ट हो जाएगा ST वालों का, और बहुत बड़ा बिल आने वाला है आप सभी छात्रों का। मैं आप लोग टाइम पर उसका भी अपडेट बता दूंगा जब आपके स्कॉलरशिप और नए बिल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ सभी छात्रों को ये कंप्लीट डिटेल है जो बिल्कुल ही अच्छी लगी होगी मेरी आशा है।
तो आपको एक ही काम करना है दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आपकी कोई भी राय कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो कंप्लीट दोस्तों वीडियो आपको बताइए अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सपोर्ट से ही आपको छात्रवृत्ति या अन्य योजनाओं की जानकारी टाइम पर मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर अभी वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।